कैसे भाई सब लोग? आवाज नहीं आ रही। कैसा सिखा रहे हैं यहाँ पर? दिल से बोल रहे हैं? हाँ सर। तो दिल से बोले तो आवाज, चेहरा, स्माइल तो दिख रही सबके। देखो भाई, सबके चेहरे पे स्माइल है कि नहीं है? ये स्माइल क्यों है? अच्छा सिखा रहे हैं। इतने दिन हो गया, 10 दिन हो गया आपको? हो गए सर। ठीक है, अगर सही नहीं सिखाते तो चेहरे पे ना तो स्माइल रहती। देखो इधर पलटाओ, देखो कितना हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा डांट डांट के गुस्से में तो नहीं बिठा के रख रहे? नहीं सर। गुस्से तो डांट दे रहे, नहीं बता रहे जो है लिख लो ये, ऐसा तो नहीं बोल रहे? नहीं सर। एक से 10 बार बता रहे? नहीं सर। और आप पूछने से पहले ही अपने से बता रहे सेक्शन? जी सर। है कि नहीं? कुछ भी नहीं छूटता यहाँ पे, सारा चीज क्लियर होता है। इसके बाद में कुछ आपका क्वेश्चन है तो वो भी बताएंगे। ठीक है, तो जो लेवल पे सीखने मिल रहा है, कैसे लेवल पे सीख रहे हैं आप लोग? हाई लेवल पे सीख रहे हैं ना। रात में भी काम करा रहे हैं, कब तक जाग रहे हैं? 2 बजे तक। 2 बजे तक जाग रहे हैं। तो खाली टाइम पास कर रहे हैं कि ड्रॉ वगैरह कर रहे हैं? पूरा फेयर नोट बना रहे ना? देखो इतना मेहनत कर लिया, बताने के लिए भी अपन रेडी है। देखो मैं इतना मेहनत कर रहा, इतना अच्छा बना रहे ना भाई, सबके पास बन के है। आप तो बता सकते हैं, देखो उनका बताओ भाई। देखो बताओ, बताओ उधर भी बता दो, अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। फिर इनसे पूछेंगे, अभी कितना समझे देखेंगे। तो बीच में से आपको भी पूछता हूँ, 2-4 लाइन इन्हों बताएंगे, 2-4 आप बताना। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले आप कहाँ से बताओ? बैंगलोर से। कहाँ से? बैंगलोर। बैंगलोर, जेसी नगर। जेसी नगर, कब से काम कर रहे थे आप? 8-10 साल से कर रहा था। 8-10 साल से कर रहे थे। देखो भाई, उसके बाद में भी अपने को सीखने का जरूरत पड़ा। हाँ सर। अगर आप अब आए 10 साल के बाद, अगर पहले आते तो 3-4 साल बहुत कहीं की जाके रहता सर, बहुत आगे जाके रहता था, ज्यादा होती थी और कहीं और भी रहते थे और आगे रह सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, जब जाके, जब भी सवेरा बोलते अपन, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शर्मा के नहीं आते। अब जैसा अनु भी है, उनके साथ भी और एक जने आए थे, तो शर्मा के, अरे मैं जाके सीखूंगा तो मैं, ऐसा कुछ सोच लेते। तो खाली टूल्स पकड़ लेके बजर बजा लेते बैठना अच्छा है कि आके सीख लेना अच्छा है? आके सीखना अच्छा है। बोलो आके सीखना। 20 साल का टेक्नीशियन बोले तो काम चलता है क्या? आप है 10 साल के, लेकिन जो आप काम कर रहे हो वो छोटा छोटा लेवल का काम है। अगर ज्यादा डीपली लेवल पे काम करेंगे तो इनकम भी बढ़ जाती। तो ये कौन सा मॉडल है साहब, बताइए? Redmi Note 10 5G सर। Note 10 5G? हाँ सर। क्या ये Redmi Note 10 5G? 5G का डाटा पढ़ रहे हैं अपन। हाँ सर। और 5G में मैं ऑलरेडी पहले भी बताया आपको बहुत सारी चीजें। हाँ सर। और ये मॉडल रात में देख के आए सो है क्या? नहीं सर, अभी आके खोले सर। मतलब अभी कितने 10 दिन हो गया, 10 दिन में मेरी मर्जी से क्या कभी ये खोल के इसमें से पढ़ेंगे ऐसा बताया क्या? दूसरा नहीं खोलेंगे आप बोले सर। तो डेली जो भी डायग्राम खोलते हैं अपन, इसकी चॉइस रहती हो? स्टूडेंट की चॉइस रहती है। स्टूडेंट जो बोले, आप में से ही कोई एक बोलते वही वाला खोलते हैं। और हम लोग ऐसा सीख रहे हैं यूनिवर्सल तरीका, एक ही मॉडल के लकीर के फकीर तो नहीं बन रहे? नहीं बन रहा ना भाई, अपन कुछ भी कर सकते, ये करेंगे ये नहीं तो ये किसमें से भी देख सकते। चलिए Note 10 5G का कौन सा सेक्शन पढ़ रहे अभी? टचपैड सेक्शन है सर। टचपैड, तो अभी तक अपन क्या क्या पढ़े सुबह से थोड़ा सा बताओ? टचपैड सेक्शन में 4 SPF, 2 प्रोटोकॉल के आते हैं, 3 प्रोटोकॉल के आते हैं, एक EN आता है, एक आके SPA आता है, ठीक है, और एक आता है I2C सेक्शन, जिसमें 4 रहते हैं, SPI प्रोटोकॉल में 6 रहते हैं सर। अच्छा देख लो। नहीं, SPI प्रोटोकॉल में 4। हाँ पूरे, अच्छा ठीक है। इसमें कितने हैं खाली SPI में? SPI 4 है सर। 4 लाइन कौन से कौन से है? मीसो, मोसी, CS, CLK। ये इसका ऑलरेडी अपन पूरा एक सेक्शन पढ़े अभी। हाँ, पूरा ड्रा भी करे, सब करे, फुल फॉर्म्स के साथ लिखे, मास्टर आउट, स्लेव इन, मास्टर इन, स्लेव आउट, शिप सेलेक्ट, शिप सेलेक्ट, या क्लॉक, ये है ना अपने पास। हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम देखे फिंगरप्रिंट का जो सेक्शन था, सेम एज ए टच सेक्शन था? सेम था, सेम था ना, सेम था सर। इसी में देखे अपन फिंगरप्रिंट। हाँ सर। तो उसमें क्या थे, सारे लाइन सेम ही थे। तो अभी बता दो यहाँ पे, चलो रीसेट लाइन किधर आ रहा है इसमें? जिसमें वोल्टेज भी मिल के आ रहा है सर, 1.8 का। ठीक है, बीच में क्या मिला उधर भी? बीच में एक रेसिस्टर मिला सर 1K का। ठीक है, ये आप एक कनेक्टर देखिए अपन, जिसमें 66 पिन का कनेक्टर है। इतने सारी लाइनों में से मैं सबको पूछ रहा हूँ, अगर मैं इसमें बताऊँ, लाइट का सप्लाई ढूंढ सकते हैं? हाँ सर। ग्राफिक का? हाँ सर। टच का? हाँ सर। स्पीकर का? हाँ सर। कितने सेक्शन पड़े ना अभी? हाँ सर। चार्जिंग का? हाँ सर। टाइप सी है के नॉर्मल है, देख सकते हैं आराम से सर। तो जितने सेक्शन पड़े, अब इतना 60 पिन का बड़ा सा कनेक्टर दे दिया तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाते? इतने सारे लेना है सर, कैसा ढूंढे, कंफ्यूज नहीं होते? ग्राफिक की मीपी लाइन ढूंढ सकते हैं?
हमारी प्लस फाइव माइनस फाइव की लाइन ढूंढ सकते ना। हाँ सर। तो ये इतने आपको पहले मालूम था क्या किसी को? हाँ, इधर कहाँ सीखे? फोन फिक्स हैदराबाद। फोन फिक्स में सीखे तो सारा सब में सब कुछ सिमिलर मिल रहा ना अपने को। हाँ सर। ठीक है, तो ये सारे लाइन हो गए, एक बार इनके लिए क्लास कर दो जोरदार। बुला रहा हूँ आप आओ भाई, स्क्रीनशॉट जल्दी आ जाओ, वोल्टेज की लाइन बता दो किधर है। ठीक है, बैठ जाओ। चलो माइक पकड़ लो थोड़ा सा, ये लेफ्ट हैंड में पकड़ लो। चलो कोई बात नहीं, इसमें मेरे को ये बता दो जो वोल्टेज की लाइन वी आई ओ लाइन कितने नंबर पिन पे कनेक्टेड है कनेक्टर पे? वी आई ओ। और कहाँ से आती वोल्टेज की लाइन? हाँ देखना, वेरी गुड। कितने नंबर पिन है? 35 है। 35 बीच में कौन से वैल्यू का रजिस्टर मिला है सर? कितना वैल्यू का है तुमको देखने दो। पता चला ना अपने को? और नीचे आईएनडी में कितने वैल्यू का है? 1K है सर। तो ये 1K का है, वो 0 ओम्स का है, ये पता चल रहा ना अपने? कहाँ से ये अभी? हाँ सर, फोन फिक्स हैदराबाद में सर। फिर इतना डर डर के क्यों बोल रहे भाई? तो कहाँ से आ रहा है ये 1.8 का वोल्टेज? पावर एसी से। पावर एसी से कहाँ से? पावर एसी। और ये पावर से जो आ रहा है ये कौन सा सेक्शन में से आ रहा होगा? एलडीओ सेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं अपन? वीआरईजी 1 बोलते हैं कि 2 बोलते हैं? 2 सर। वीआरईजी 2। कल हम क्वालकॉम का पढ़े थे, आज एमटीकी का पढ़े, दोनों का बूट पावर बूट सीक्वेंस एलडीओ लाइन बक लाइन सारा देखे, तो उसी में से आ रहा ना ये एलडीओ में। तो किधर बीच में क्या मिला है? रजिस्टर के थ्रू ही आ रहा, क्योंकि ये टच सेक्शन को चलाने का है। ठीक है, बहुत सारों में 2.8 से 3.3 की भी सप्लाई मिलती, तो यहाँ पे अभी हमारे को सिर्फ क्या मिली यहाँ पे 1.8 की सप्लाई मिली है। तो ये टच सेक्शन फिंगरप्रिंट सेक्शन बना सकते हैं? हाँ सर। चाहे 4G का हो चाहे 5G का हो, रिपेयर कर सकते हैं? हाँ सर। कौन सी पिन पे आ रहा पता है ना आपको? हाँ सर। है ना, चलो इनके लिए भी एक बार जोरदार क्लास कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।